क्वेश्चन है कि कैन वी रिक्वेस्ट कृष्णा, कि हम भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू फोर्स अस टू सरेंडर टू हिम, कि हम कि भगवान हमें फोर्स कर दें उनके शरणागत होने के, क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर ही सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान फिर एक्चुअली हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते। यह भक्ति वैसे तो हमारी स्वतंत्र इच्छा है ना, हम अपनी इच्छा से मंदिर आ रहे हैं, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता, चाहे पूरी दुनिया की ताकत लग जाए, पर अगर हम नहीं आना चाहते तो कोई नहीं ला सकता। और पर डिवोटी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भगवान में तो पूरी शक्ति है, भगवान तो पूर्ण शक्तिमान है, तो भगवान चाहे तो हम भक्ति क्यों नहीं मतलब कर ही सकते। तो क्वेश्चन ये है कि कैन वी रिक्वेस्ट कृष्णा टू फोर्स अस टू सरेंडर टू हिम, कि क्या हम कृष्णा को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कृष्णा हमें फोर्स करें कि हम उनके शरणागत हो जाएं, क्योंकि हम बद्ध जीव है, हम तो बद्ध जीव है और हम हमेशा नीचे की तरफ ही जाएंगे। अगर मंदिर आना हम छोड़ देंगे तो, या हम श्रवणम अगर हम श्रवणम छोड़ देंगे तो हमेशा हम हमारे डिसीजंस गलत ही होंगे। कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर क्या पॉइंट था, स्वार्थ का पॉइंट आ रहा था ना, स्वार्थ था ना, कि जहां पर स्वार्थ होता है वहां पर अधर्म होगा, इसलिए हमारे डिसीजंस गलत हैं, और हमारा और बद्ध अवस्था में हम अपने स्वार्थ के अलावा मतलब हम अपना वास्तविक स्वार्थ नहीं समझ पा रहे, और बहिर अर्थ मानिना इस संसार की बाहर की वस्तुओं को हम अपना अर्थ मान रहे हैं। तो प्रभुपाद ने इसका उत्तर क्या दिया, क्या कहते हैं प्रभुपाद ने इसका उत्तर क्या दिया कि क्या हम भगवान को फोर्स कर सकते हैं कि भगवान ही हमें सरेंडर करवा दें, क्या कहते हैं? नहीं, भगवान को फोर्स नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते, यहां पर रिक्वेस्ट करने की बात होती। प्रभुपाद कह रहे हैं यस यू कैन रिक्वेस्ट, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि एंड ही समटाइम्स फोर्सेस, और वो कई बार हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते भी हैं, वो बल्कि फोर्स भी कर देते हैं कई बार हमें उनकी भक्ति करने के लिए। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि ही पुट्स यू इन सच सर्कमस्टांसेस, कि वो हमारे जीवन में अगर हम भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हम चाहेंगे, सबसे सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम चाहेंगे तो भगवान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां ला देंगे कि हम कि हमें भक्ति करनी पड़ेगी, कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, केवल और केवल भगवान की शरणागति लेने। अभी तो हमारे मतलब हम अपने ऑप्शन से हम कर रहे हैं, बट जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी, जैसे बीमारी नहीं आ जाती, या कोरोना आ गया, पूरी की पूरी दुनिया सब हाथ जोड़ के बैठ गई, सब भक्त बन गए थे पर जैसे ही वो परिस्थिति हटी, तो क्योंकि वो हमारे स्वभाव में हमारा हम शमशान वैराग्य था, वो उसको बोलते हैं शमशान, जब शमशान घाट में जाते हैं तो थोड़ी देर का वैराग्य आता है ना, कि सब देखो सब फजूल है, तो सब कोई काम नहीं आना, वापस आकर फिर शुरू हो जाएगा। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ, तो भगवान फोर्स कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं, एंड दिस इज स्पेशल फीलिंग, ये भगवान हर किसी के साथ नहीं करेंगे, भगवान उसके साथ करेंगे जो इच्छा रखेगा कि भगवान मेरे जीवन में आप ऐसी परिस्थिति ला दीजिए कि मैं भक्ति कर पाऊं। ऐसे भगवान कभी कभार करते हैं, हमेशा भी नहीं करते, क्योंकि हमेशा करेंगे तो एक तो हमारी स्वतंत्र इच्छा खत्म हो गई, और दूसरी बात यह कि हम तैयार भी नहीं, हमारा अधिकार भी नहीं, हम मंदिर ही आना छोड़ देंगे। कई बार हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस होती है और सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है कि अब मैं भक्ति नहीं करूंगा, तो ये तो इसलिए ये भगवान का स्पेशल फेवर है कि भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप अब कैसे करते हैं, प्रभुपाद अपने जीवन से बता रहे हैं। प्रभुपाद यहां पर ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि माय स्पिरिचुअल मास्टर वांटेड मी टू प्रीच, ये हम सबको पता है ना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को सबसे पहली मीटिंग में ही
बोला कि हरे कृष्ण आगे। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को सबसे पहली मीटिंग में बोला कि तुम एजुकेटेड हो, तुम इंग्लिश जानते हो, तुम बाहर के देशों में जाकर भगवान के नाम का प्रचार क्यों नहीं करते। ये इतना तो हमें पता है, पर इसके आगे हमें नहीं पता होगा। इसके आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉन्टेड टू रीच, कि मेरे गुरु ने मेरे को बोला कि प्रचार करो, बट आई डिड नॉट लाइक इट, कि मेरे को पसंद नहीं था। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे को पसंद नहीं था वो। आप प्रभुपाद कह रहे हैं कि बट ही फोर्स मी, मेरे गुरु ने मुझे फोर्स किया प्रचार करने का। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि दैट इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि मैं अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूं कि आई हैड नो डिजायर टू एक्सेप्ट द संन्यास ऑर्डर एंड टीच, कि मैं तो अपने प्रभुपाद पारिवारिक जीवन में ही थे और प्रभुपाद ने अथक प्रयास किए थे कि प्रभुपाद का बिजनेस चले। प्रभुपाद कभी इधर फार्मेसी खोल रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। प्रभुपाद की इच्छा थी कि प्रभुपाद पूरा नेशनल ब्रांड, आई थिंक दिव्या फार्मेसी था प्रभुपाद की फार्मेसी का नाम, और प्रभुपाद एक बहुत बड़े स्केल पर बिजनेस करने के लिए सोच रहे थे। प्रभुपाद ने सारी तैयारी भी की थी और एक बार नहीं कई बार प्रभुपाद ने प्रयास किया, बट प्रभुपाद कह रहे हैं कि आई हैड नो डिजायर टू एक्सेप्ट द संन्यास ऑर्डर एंड टीच, और मैंने संन्यास लेने का तो कभी सोचा भी नहीं था, बट माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉन्टेड इट, पर मेरे गुरु की इच्छा थी। और कह रहे हैं कि आई एम नॉट वेरी मच इंक्लाइंड बट ही फोर्स्ड मी, मैं मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी मेरे गुरु ने मेरे को फोर्स कर दिया। दैट इज ऑल्सो डन, दैट इज स्पेशल फेवर, वेन ही फोर्स मी एट दैट टाइम आई थॉट वॉट इज दिस। और जब उन्होंने मेरे गुरु के माध्यम से मेरे को यह संदेश मिला, और जब भगवान ने मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, एक्चुअली प्रभुपाद ने सारे अपने एक प्रभुपाद बिजनेस के सारे पेपर्स प्रभुपाद ने एक टेबल पर रखे हुए थे, अपने जो बिजनेस के जो सारे पेपर्स थे, तो वो पेपर्स वहां पर कैंडल पड़ी थी, तो कैंडल सारे पेपर्स उसी टेबल पर थे और कैंडल गिर गई और वो पेपर जल गए। तो ऐसे देखने में लग सकता है कि मतलब कि भगवान तो बिल्कुल ही कि हम भगवान का कितना मतलब, प्रभुपाद तो जब गृहस्थ भी थे तब भी प्रभुपाद पूरा मतलब जो ये डिवोशनल प्रचार के लिए प्रभुपाद पूरा मदद करते थे, ब्रह्मचारी को बुलाते थे और वहां पर उनके लिए स्पेशल रहने का अरेंजमेंट करते थे, खुद अपने आप से उनके लिए रहने के लिए खर्च करते थे, उनको रहने का स्थान देते थे और सारी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते थे। और प्रभुपाद को क्लियर था कि मैंने भगवान का प्रचार करना है पर बिजनेस के माध्यम से, मतलब बिजनेस करके उसमें से जो मतलब अपने लिए जितना जरूरी था उतना रखकर प्रभुपाद बाकी सब धन भगवान की सेवा में लगाते थे। बट भगवान का प्लान ये नहीं था, और भगवान ने प्रभुपाद के जीवन में हस्तक्षेप किया। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरा इंक्लिनेशन नहीं था, मेरा इंक्लिनेशन मतलब कि मेरा झुकाव नहीं था प्रचार करने में, पर सिचुएशन ऐसी बनाई गई और भगवान ने, और एक्चुअली इसकी शुरुआत पता है किसी को कि इसकी शुरुआत कब हुई कि प्रभुपाद ने प्रचार करना, कब से हुई इसकी शुरुआत? उससे ही पहले प्रभुपाद, हाँ पांच साल की उम्र प्रभुपाद लीलामृत में आ रहा है, क्या आ रहा है वहां पर पांच साल की उम्र में, क्या क्या हुआ था? जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली थी, पर उसके पीछे भी कोई था, उनके फादर थे, उनके प्रभुपाद क्लियरली कह रहे हैं कि मेरे फादर ने प्लानिंग की थी कि ये बड़ा होकर प्रचार करेगा, तो उनके फादर ने ही सोच लिया था एक्चुअली, और इसलिए प्रभुपाद को मृदंग क्लासेस करवाई, मतलब प्रभुपाद मृदंग मास्टर बन चुके थे और प्रभुपाद कीर्तन लीड करते थे, और ये मतलब ये तैयारी उनके फादर ने की थी कि कल को, और उनके फादर ने राधा रानी से प्रार्थना भी की थी कि ये बड़ा होकर बहुत अच्छा प्रचारक बने, तो ये शुरुआत वहां से चल रही है, और इसलिए प्रभुपाद के जीवन में, और प्रभुपाद ने फिर उसको एक्सेप्ट भी किया। जब प्रभुपाद के जीवन में ऐसा कुछ हो रहा था तो प्रभुपाद परिस्थिति से विचलित नहीं हुए, प्रभुपाद ने उस मैसेज को लिया और फाइनली फिर प्रभुपाद बाहर गए, और तब जाकर मतलब 70 साल की उम्र में जाकर इस्कॉन की स्थापना हुई।
प्रभुपाद का पूरा जीवन निकल गया और प्रभुपाद ने भारत में भी पूरा प्रयास किया, पर फाइनली वही हुआ जो उनके गुरु चाहते थे और फाइनली वही हुआ जो उनके फादर ने प्लानिंग की थी। तो प्रभुपाद ने उसको एक्सेप्ट किया और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो प्रभुपाद ने, तो उस समय भी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने बोला कि मैंने सोचा कि व्हाट इज दिस। जब भगवान उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे तब प्रभुपाद भी यही कह रहे थे कि मेरे जीवन में ये सब क्या हो रहा है, वो भी भगवान से क्वेश्चन कर रहे थे कि ये क्या हो गया मेरे जीवन में, आई एम कमिटिंग सम मिस्टेक और व्हाट इज दैट। कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं पजल हो गया था कि मेरे से कोई अपराध हो गया है, क्या हो गया जो भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे, और जबकि भगवान का एक बड़ा प्लान था, उस बड़े प्लान के पीछे हो सकता है हमारी छोटी छोटी बिल्डिंग ढह जाए, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हो सकता है सैक्रिफाइस हो जाए, पर बड़ा प्लान था कि प्रभुपाद को अपना परिवार ही छोड़ना पड़ा, परिवार प्रभुपाद को अपने बच्चों को छोड़ना पड़ा, पर प्रभुपाद ने बोला कि मैंने एक परिवार छोड़ा, पर आज तो बाद में प्रभुपाद ने बोला कि भगवान ने मेरे को इतना बड़ा परिवार दे दिया, इतने बच्चे मतलब सब प्रभुपाद की केयर में ही थे ना, तो प्रभुपाद का परिवार जो वासुदेव कुटुंबकम, तो पर प्रभुपाद ने एक कुटुंब ही बना दिया पूरे विश्व में। और एक्चुअली वो कोटेशन यही है जो आज ये 15 जनवरी का जो इसमें कोटेशन है ना, तो उसमें कोटेशन में भी यही है कि मायापुर चंद्रोदय मंदिर दिव्य संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए है, कि प्रभुपाद ने मायापुर मंदिर बनाया। और वो प्रभुपाद कह रहे हैं मायापुर मंदिर क्या है, ट्रांसेंडेंटल यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस आज हमें पता फेल है, नहीं लड़ाई हो रही है, जिसका जो मन करता है दूसरी कंट्री में बम कर देता है, यूनाइटेड नेशंस फेल हो सकती है बट भगवान का प्लान नहीं फेल हो सकता। और इसलिए हम देखते भी हैं कि मतलब हजार इतने पूरे दुनिया में इतने कंट्रीज के इतने भक्त हैं और सबके सब भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये वास्तव में ट्रांसेंडेंटल यूनाइटेड नेशंस है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं भी पजल हो गया था बट ए लिटिल आफ्टर, पर थोड़े समय के बाद आई कुड अंडरस्टैंड दैट इट इज द ग्रेटेस्ट फेवर शोन टू मी। थोड़े ही समय के बाद मेरे को समझ में आ गया कि भगवान की मुझ पर ये कृपा है। सो व्हेन कृष्णा फोर्सेस समबडी टू सरेंडर दैट इज अ ग्रेट फेवर। इसलिए अगर भगवान हमारे जीवन में, अगर कुछ हमें लग रहा है हमारे जीवन में, मतलब कि अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, अगर कोई सिंसियरली प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसके जीवन में यह होगा, भगवान हर किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, ये जो ग्रेटेस्ट फेवर है, ये जो विशेष कृपा है, एक साधारण कृपा होती है एक विशेष कृपा होती है। साधारण कृपा तो चलो हमें खाने पीने के लिए मिल रहा है, हमारा जीवन ठीक चल रहा है, घर में गाड़ी है, चलो घर का कारोबार ठीक चल रहा है, वो साधारण कृपा है, वो कोई विशेष कृपा नहीं है। विशेष कृपा है जब भगवान, विशेष कृपा क्या है कौन बताएगा, विशेष अभी तो मैं डिस्कस किया हमने, तो जिनके लाइफ में भगवान जी हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप कैसे करेंगे, यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद अपनी इच्छा को सैक्रिफाइस करेंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप कैसे करते हैं, जब हमारे बिजनेस के कागज जल जाएंगे। नहीं लिख रहे हैं प्रभुपाद, ये लिख रहे हैं कि बट ही डज सो, भगवान किसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, अ पर्सन हु इज वेरी सिंसियर टू कृष्णा सर्विस। अगर कोई अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव अगर आ रहा है उससे कोई विचलित हुए बिना अगर कोई अपनी भक्ति नहीं छोड़ेगा तो भगवान उसका जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं अ वेरी सिंसियर पर्सन, बट एट द सेम टाइम अगर कोई एक सिंसियर पर्सन है पर उसके मन में अभी भी बहुत एक संसार की इच्छा है, संसार को एंजॉय करने की इच्छा भी है और वो भगवान की भक्ति भी करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भगवान हस्तक्षेप करेंगे और क्या करेंगे, उसकी इच्छाओं को फिर भगवान काटेंगे। ये लिख रहे हैं कि वहां पर इस केस में भगवान क्या करते हैं कि भगवान सोचते हैं कि दिस फुलिश पर्सन डज नॉट नो दैट दिस मटेरियल फैसिलिटी विल नेवर मेक हिम हैप्पी, कि ये व्यक्ति मेरी भक्ति भी कर रहा है और ये संसार के पीछे भी भाग रहा है पर ये मूर्ख है, और ये मूर्ख है तो एक्चुअली इसकी मदद कौन करेगा, मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, और ये सिंसियरली मेरा
मेरी कृपा चाहता भी है ना। तो प्रभात कह रहे हैं कि भगवान की नजर में ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, और इसीलिए भगवान क्या करते हैं, देयरफॉर व्हाटएवर रिसोर्स, अगर हमारे जीवन में कोई भी, हमारे जीवन में हम किसी भी LIC पॉलिसी का सहारा ले रहे हैं, भगवान के नाम का सहारा नहीं ले रहे, LIC पॉलिसी का सहारा ले रहे हैं, मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि व्हाटएवर रिसोर्स, लिटिल रिसोर्स ही हैज गॉट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, अगर हमारे जीवन में कोई भी छोटा सा भी साधन है जिससे हम एंजॉय करने की प्रयास करें, भगवान उसको, भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान उसको ब्रेक कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, हमारे जो एंजॉय करने का साधन है उसी को भगवान हटा देंगे, और देन ही विल हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू सरेंडर टू मी, और उसके बाद उस व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरी शरणागति करने। इसलिए लोग वैसे डिवोशन नहीं करते, पर अगर घर में बीमारी आ जाए फिर नहीं सब सब करते हैं, पर अगर लाइलाज बीमारी हो फिर तो व्यक्ति, जैसे कैंसर ही हो जाए तो फिर तो सरेंडर करना ही पड़ेगा, तो भगवान का नाम ही है। तो श्रीमद् भागवतम में भी आ रहा है, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यस्य अहम अनुग्रहनामी हरिष्यते तद धनम सनेह। कृष्णा सेज दैट इफ आई डू समबडी स्पेशल फेवर देन आई मेक हिम पॉवर्टी स्ट्रिकन, मैं उसे गरीब बना दूंगा, अगर भगवान की विशेष कृपा चाहिए तो साधारण भाषा में भगवान उसको गरीब बना दे, हमें डर लगेगा नहीं ऐसे ये सुन के हमें अच्छा नहीं लगेगा, बट क्योंकि हम भगवान के शरणागत वैसे नहीं होंगे, जितना चाहे हम 365 दिन हम सुन लें, पर जब जीवन में दुख आता है तो आप सीधा फ्लाइट पकड़ेंगे, समझ रहे हैं, मतलब दुख से वास्तव में भक्ति में प्रगति होती है, सुख में नहीं होती, सुख में हम जितना मर्जी हम डांस कर लें, जितना मर्जी हम कीर्तन कर लें, जितना मर्जी हम नगर संकीर्तन कर लें, पर वो सुख में वो भाव ही नहीं आएंगे, पर जब जीवन में दुख आता है वास्तव में जब दुख होगा तो वो चीज बहुत हेल्प करती है, ध्यान तो उसी तरह रहता है, हाँ ध्यान रहता है, पर क्योंकि वो हमारा क्योंकि हम अभी प्योर नहीं है, इसलिए जैसे दुख खत्म होता है हम फिर भगवान को भूल जाते हैं, जैसे कोरोना का टाइम था, पर वास्तव में देखा जाए तो दुख से ही एक्चुअली हम भगवान को समझ सकते हैं, दुख से मतलब हमारी अगर हम चल रहे हैं तो दुख में हम भक्ति में एक उड़ान भर सकते हैं, इतना फर्क है, पर फिर वही है कि डर लगता है, डर लगता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं बट इन स्पेशल केसेस अगर ऐसा भगवान किसी की याचना भगवान अगर सुन ले, इन स्पेशल केसेस कृष्णा मेक हिज बिजनेस, तो भगवान उसका बिजनेस या उसकी सर्विस हाँ छीन लेंगे, भगवान लिख रहे अनसक्सेसफुल, हमें लग रहा है हमें सक्सेस मिलनी चाहिए वो भगवान की कृपा है, भगवान कह रहे हैं जब तुम सक्सेसफुल नहीं होगे वो मेरी कृपा है, इसी को कहते हैं, इसलिए बोलते ना संसार आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, उल्टा ही उल्टा वृक्ष है, हमें लग रहा है हम एडवांस कर रहे हैं पर भगवान करें ये एडवांस नहीं कर रहा, और इसलिए हम देखते भी हैं अगर डिवोशन में अगर हमें लगता है कि हम एडवांस करें तो उसी टाइम हमारा फॉल डाउन हो जाता है, तो भगवान दिखाते हैं एक्चुअली कि जितना तुम अपने आप को अयोग्य समझोगे उतने तुम योग्य हो, और जितना हम अपने आप को योग्य समझेंगे उतने हम अयोग्य, इसलिए भक्ति के स्टैटिस्टिक्स अलग चलते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम्हें सुनकर अच्छा लग रहा है, फिर प्रभुपाद हंस रहे हैं कि भगवान तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, यू सी बट समटाइम्स तो, और ऐसा होने पर हमारे मन में क्या विचार आएगा, ओ कृष्णा इज सो क्रूअल, कि भगवान तो इतने निर्दयी हैं कि मेरे से सब कुछ छीन लिया। देवन नारद मुनि जब पिछले जन्म में दासी पुत्र थे तो छोटी सी उम्र में तो उनकी मां का
देहांत हो गया था। और नारद मुनि, नारद मुनि ने तब भगवान से क्या प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की थी? मेरी एक आसक्ति थी और आपने मुझसे वो आसक्ति भी छीन। तो ये वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं कि हमें मतलब वास्तव में ये भक्ति है। भक्तों के जीवन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इस संसार में जो तथाकथित हमें जो सक्सेस मिल रही है वो हमें भगवान से दूर लेके जा रही है। भी ऐसा ना, अगर जॉब लग जाएगी आप फिर मंदिर कोई नहीं आता। जॉब जब तक नहीं लगती तब तक मंदिर आते हैं। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही तब मंदिर आएंगे, शादी हो जाएगी सब हो जाएंगे। बाहर जाने हाँ, बाहर जाने से पहले जरूर आते हैं कि बाहर वीजा लग जाए, वीजा लग जाए, वीजा लग जाए, वीजा लग जाएगा तब जाएंगे। तो भगवान की विशेष कृपा तो यह है कि हमारा वीजा रिजेक्ट हो जाए। प्रभुपाद मतलब प्रभुपाद भी ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी मैं भी तैयार नहीं था इन सबके लिए, पर इस सब की प्लानिंग पहले से चल रही थी। उनके पिताजी ने प्लानिंग की थी, उन्होंने बचपन में प्रभुपाद ने बचपन में भक्ति के लिए प्रयास किया था। मतलब जो अपने उनके ड्यूटीज थे छोटे, उनके पास राधा कृष्ण के विग्रह थे, उनकी सेवा करते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा करते थे, प्रभुपाद ने मृदंग क्लासेस की, ये सब एक तैयारी हो रही थी जिससे भगवान जब हमारे उनके जीवन में हस्तक्षेप करें तब प्रभुपाद उस चीज के लिए तैयार रहे। तो ये सब चीजें चल रही हैं। और ये पर ये भगवान की विशेष कृपा है, ये भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। तो भगवत गीता में कहां भगवान कह रहे हैं कि भगवान मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करता हूं? उसमें क्या अनन्य भाव से देवे स्वरूप का वो तो अनन्य भाव से करते हुए फिर आगे क्या कि मैं तुम्हारी कमियों को पूरा करता हूँ। पर डायरेक्टली भगवान कहाँ कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उठाता हूँ, कि मैं तुम्हें तुम्हें पार लगाऊं, हाँ मैं तुम्हारे पापों को खत्म कर दूंगा, ये भी है। पर एक्चुअली भगवान डायरेक्टली भी पापों को खत्म कर दूंगा वो भी ठीक है कि उससे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हें मोक्ष 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 क्यों कह रहे हैं वैसे भगवान? भक्त के लिए मोक्ष क्या होता है? जन्म मुक्ति। हाँ वो एक एक ज्ञानी के लिए मोक्ष मोक्ष होता है, पर एक भक्त के लिए मोक्ष क्या होता है? भक्ति। अगर वो भगवान की भक्ति कर सके तो उसके लिए वो मोक्ष है, वो मोक्ष की अलग से इच्छा नहीं करता। भगवान 12वें अध्याय में भी कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्रता, कि मैं मृत्यु संसार सागर आ, कि मैं तुम्हें मृत्यु के सागर से बाहर निकालूंगा। तेषाम अहम समुद्रता, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, कि हमें केवल उस चीज के लिए रेडी रहना। एक भक्त के जीवन में इसलिए अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आती है भक्त के जीवन में, जो भगवान का नाम ले रहे उसके जीवन में कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो वो दैव नेत्रेण है। दैव नेत्रेण मतलब भगवान का इंटरफेरेंस है वो, और वो मैसेज है, वो मैसेज है कि हो सकता है कि हम गलत दिशा में भाग रहे हो सकता है, ये हमें समझना। और ये फिर कैसे इसको, अगर हम अगर मान लीजिए बिजनेस बढ़ रहा है तो क्या सोचेंगे? भगवान की कृपा, यही कहते हैं, यही कहते हैं ना, मोस्टली यही है। लॉटरी लग जाए तो भगवान की कृपा है, दुख आए तो कहते हैं कि भगवान का अभिशाप है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्योंकि सुख आने से हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। दुख दारू तो भगवान करें कि तेषाम अहम समुद्रता, तो मैं तुम्हें इस मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु के संसार से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। और बस डिफरेंस क्या है कि हमें भगवान की अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति अगर हम भगवान की करेंगे तब फिर भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और उस चीज के लिए हमें रेडी रहना, वो हमारे जीवन में एक ना एक दिन आएगा। पर वो दुख इस संसार के लिए दुख हो सकता है,
पर अगर हम भगवान से संबंध बनाएंगे तो वो दुख दुख नहीं होगा। जैसे नारद मुनि को दुख नहीं हो रहा क्योंकि वो उनको पता है कि संसार तो अनित्य ही है, ये संसार में तो ये होना ही था, उन्होंने कहा चलो जल्दी हो गया। तो इसलिए हम अपने जो हम सोच रहे हैं, जैसा शिला प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि मैं भी उस समय ये सोच रहा था कि मेरे जीवन में ये सब क्या हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि भगवान स्वयं भक्त के जीवन, भक्त का जीवन गाइड करते हैं और उसको प्रेरणा देते हैं और गुरु के माध्यम से उसको मैसेज देते हैं। प्रभुपाद को भी उनके गुरु के माध्यम से मैसेज मिला, तो इसलिए भक्तों के जीवन के माध्यम से जो प्रभुपाद जो हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के माध्यम से भगवान हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज देते रहते हैं, उस मैसेज को हमें कैच करना है, बस ये हमारा रोल है। उस मैसेज को कैच करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम भी भगवान का मिशन में कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की।